मित्रों नमस्कार। आज हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे आस पड़ोस या आपके आस पड़ोस में किसी व्यक्ति को आइसोलेशन के लिए यदि क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा हो तो कृपया करके उसकी वीडियो न बनाएं, फोटो शूट न करें, क्योंकि हम वीडियो शूट करके फोटो शूट करके उसके आपराधिक होने का बोध करवाते हैं, उसके आपराधिक होने का अनुभव करवाते हैं, बल्कि उसे आश्वासन दें कि आप जल्द ठीक होकर आएंगे, जल्द स्वस्थ होकर आएंगे और हमारे बीच वही लाइफ शुरू करेंगे जो हम पहले करते थे। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा मित्रों, उनसे हंसकर बात करनी होगी, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, उनकी इज्जत करनी होगी, उन्हें एक अच्छा पड़ोसी और अच्छे मित्र होने का एहसास कराना होगा, उनके पीछे कानाफूसी बंद करनी होगी, उनकी शिकायत बंद करनी होगी। ये चार पांच चीजें संक्रमित व्यक्ति को बहुत ही ताकत प्रदान करता है, आश्वासन देता है, उनका हौसला बढ़ाता है। मित्रों बीमारी बड़ी प्रबल है, अदृश्य शत्रु है, शत्रु कहीं भी कभी भी आप पर हावी हो सकता है। जो व्यक्ति आज संक्रमित है, हो सकता है उसकी जगह पर हम भी संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए या उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसे यह बोध नहीं कराना चाहिए कि उसे बड़ी भयंकर बीमारी हो गई है। बीमारी भयंकर नहीं है मित्रों, भले इसकी दवा आज तक नहीं निकली है लेकिन निकलेगी अवश्य, लेकिन उससे पहले हमें जो प्रधानमंत्री जी ने बताया है, दो गज की दूरी और हर 20 मिनट के बाद हाथ धोना और मुंह पर मास्क लगाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका पालन हमें अक्षरशः करना होगा, तभी हम इस बीमारी को भगा सकते हैं। और जो व्यक्ति क्वारंटाइन होने के लिए आइसोलेशन सेंटर जा रहा है, उसका मनोबल बढ़ाना होगा, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी और उसके मंगल की कामना करनी होगी और उसे कहना होगा कि सब कुछ अच्छा होगा और आप दोबारा हमारे बीच लौट कर आएंगे और हम फिर से वही जिंदगी जिएंगे जो हम पहले जीते थे। मित्रों किसी का भला करके देखो, मन में बड़ी शांति मिलती है। जो दूसरों का भला करता है या दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, उसका भला परमात्मा करते हैं, उसका सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। इन शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इन बातों का ख्याल अवश्य रखेंगे। जय हिंद।